हमारे सेना के परिक्रम से पराक्रम से आपको संतोष है ना? आप खुश हैं? दोबारा पूछता हूं, खुश हैं? संतोष है? लेकिन कांग्रेस परेशान है, ये तो घुस करके घर में घुस के मारता है। जो देश की रक्षा की सुरक्षा की बात करेगा उसी को हम वोट करें। जो देश के प्रति जो आतंक को अभक्षम करने वाले हों और अपने देश की तरक्की पर चलाने वाले, देश को जो है ना उन्नति पर लाने वाला नेता हो, ऐसे नेता से को हम चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश की गरिमा के अनुरूप आगे बढ़ाने के बारे में पिछली सरकारों ने कभी कोई आगे बढ़ाने की कोई सोच नहीं थी। जो कार्य उस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार ने प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश तमाम क्षेत्रों में प्रगति के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो करोड़ों रुपए खर्च करने की जगह हमें कोशिश करनी चाहिए कि गंगा को गंदा ना करें। व्यवस्था में अभी बहुत परिवर्तन होने की आवश्यकता है। फिरका परस्ती खत्म होनी चाहिए हिंदुस्तान से। कोई बदलाव नहीं है, बल्कि और मेरठ जो है गंगी के अंदर भी और वैसे कारोबार के अंदर भी बहुत ही पिछड़ चुका है। मेरे ख्याल में 10 सालों में शायद ही हमारे सांसद जी आए हों। कभी पूछो कि आपको यहाँ कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली की तरफ जो सड़कें जाती हैं उनमें से एक है ये सड़क, लेकिन दिल्ली की गद्दी की तरफ जो सड़क जाती है वो उत्तर प्रदेश की उन 80 लोकसभा सीटों के जरिए ही है जिस पर सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें टिकी हुई हैं। यानी आज जो हम श्वेत पत्र पेश करने जा रहे हैं वो उस भूमि से जहाँ पर लोकसभा चुनावों का सबसे भीषण रणक्षेत्र होगा। वंशवाद और भ्रष्टाचार की महामिलावट करने वाले दल आज आपके इस चौकीदार से परेशान है। पिछली सरकारें आपकी आस्था पर कुठाराघात करती थी, आपको कांवड़ यात्रा नहीं करने देती थी, माँ बहनों की सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य होता था। वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार का राज इमरजेंसी से भी अब कोई कम नजर नहीं आता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। जो 74 की बातें करते थे अब उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनका खाता कहां खुलेगा। सत्ता जिसके सर पे चढ़ जाती है ना, उनको दो गलत फहमियाँ होती हैं। पहली ये कि जनता को गुमराह करना आसान है, और दूसरा ये कि जो उनके खिलाफ बोलते हैं वो डरते हैं। हम बिल्कुल डरते नहीं हैं, वो चाहे कुछ भी करें। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला प्रदेश, देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाला प्रदेश, देश की राजनीति में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला प्रदेश, यह जांचा परखा सत्य है जिसका इतिहास भी गवाह है कि यहां की हवा जिसके पक्ष में बहना शुरू होती है दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते उसके नाम की सुनामी में बदल जाती है। लिहाजा क्या सोचता है उत्तर प्रदेश, क्या है उत्तर प्रदेश के चुनावी मुद्दे, क्या कहता है उत्तर प्रदेश का चुनावी गणित, किसको मिलेगा उत्तर प्रदेश की धरती से दिल्ली की गद्दी का वरदान, ये जानने के लिए हमने तय किया उत्तर प्रदेश का सफर। हम पहुंचे यूपी के अलग अलग शहरों की गलियों में, गांवों के गलियारों में, खेतों में, खलिहानों में, और उत्तर प्रदेश की चुनावी जमीनी रिपोर्ट पर लेकर आए हैं
श्वेत पत्र। और यहाँ वादे ही ज्यादा हुए हैं, काम तो बहुत कम हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बिजनौर अभी भी पिछड़ा हुआ इलाका है। जो हमारा पढ़ा लिखा बेरोजगार बेरोजगार है, उसकी नौकरी की बड़ी समस्या है। खेती है हमारी भी जी जी, बहुत बुरी तरह से पिट रही है जी, बहुत मंदा गन्ना चल रहा और बहुत कुछ नहीं मिल रहा बिल्कुल। घाट आप देख रहे हैं, सबका नवीनीकरण हुआ है। पहले यहाँ बिल्कुल कच्चा हुआ करता था, घाट भी इतने साफ सुथरे नहीं रहते थे। बेरोजगारी है, खेत में से गन्ना किस चीनी के कारखाने में जाएगा। 2014 की चुनावी कहानी में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश की क्रांति धारा मेरठ से चुनावी संग्राम का शंखनाद किया था। पड़ी, क्या आप ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हो? आपके पूर्वजों को जो मुसीबत झेलनी पड़ी आप झेलना चाहते हो? यहाँ से उठी लहर पर सवार होकर वो प्रचंड बहुमत से दिल्ली पहुँच गए। ...2019 में फिर मेरठ की धरती से ही उन्होंने अपने चुनावी अभियान का बिगुल फूंका है। यूपी का आशीर्वाद एक बार फिर मिलने के विश्वास के साथ। और आप तो जानते हैं मैं चौकीदार हूं, और चौकीदार कभी नाइंसाफी नहीं करता है। हिसाब होगा, सबका होगा, बारी बारी से होगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, जो मीडिया ने एक होबा खड़ा किया था गठबंधन का, गठबंधन पूरी तरह फेल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से पूरे देश के अंदर प्रचंड बहुमत से सीटें पाएंगी, सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश 74 के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। लेकिन तब के नरेंद्र मोदी और अब के नरेंद्र मोदी के बीच बीते 5 साल का उनका कार्यकाल और बदले हुए तेवर वाला विपक्ष खड़ा है, जिसकी सबसे आक्रामक तस्वीर उत्तर प्रदेश में दिखती है। यूपी में विपक्षी चुनौतियों का चक्रव्यूह तैयार है और हर मोड़ पर कठिन चुनौतियां बीजेपी का इंतजार कर रही हैं। एक तरफ माया अखिलेश गठबंधन यूपी में मोदी रथ का रास्ता रोकने के लिए तत्पर है, दूसरी तरफ पारिवारिक विरासत के समर्थन के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा मोदी मोर्चे पर डट कर खड़ी है। डॉक्टर लोहिया जी ने जहां जातिपात जाति तोड़ो का आंदोलन चलाया, वहीं सबसे ज्यादा जहर जातियों का अगर किसी ने घोला है समाज में तो भारतीय जनता पार्टी ने। एक ऐसी सरकार है जिसने जनता को नकारा है, जिसने बड़े बड़े प्रचार किए हैं। इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए आपके खाते में डालेंगे, 15 लाख रुपए। अब चुनाव आने वाला है तो 2000 रुपए डालना शुरू। अब हमें पूरा पूरा भरोसा है कि यहाँ बीएसपी व सपा का बना ये गठबंधन इस बार केंद्र में बीजेपी को किसी भी कीमत पर सत्ता में आसीन नहीं होने देगा और इनको इस बार हर हालत में यहाँ उत्तर प्रदेश से ही रोक देगा। ऐसे में तमाम चुनावी मुद्दों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौकीदार के स्वाभिमान का नया विमर्श लेकर यूपी के चुनावी रण का आरंभ कर चुके हैं। मैं भी एक तरफ नए भारत के संस्कार है और दूसरी तरफ वंशवाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक तरफ दमदार चौकीदार है और दूसरी तरफ दागदारों की भरमार है। सवाल ये उठता है कि क्या माया अखिलेश गठबंधन की चुनावी रणनीति मोदी योगी वाली बीजेपी का रास्ता रोक पाएगी? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में यूपी में कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे? क्या गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक का कांग्रेसी दावा रंग लाएगा?
यूपी की जनता किसके वादों पर करेगी यकीन और क्या है यूपी की जनता की राय? स्थानीय मुद्दों के हवाले से इन सवालों के जवाब हमने तलाशे आज के श्वेत पत्र में। कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, समस्या बहुत भारी है यहाँ। जब किसी सेना का कोई राजा नहीं होता है, कोई गठबंधन नहीं है, इनका तो प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है, ये तो बैसाखियों पे अटकी हुई सरकार चलेगी अगर इनकी सरकार बना दी भी गई तो। तीर्थ स्थल है, गंगा जी की मेन धारा यहाँ पे आनी चाहिए। हम यही चाहते हैं जिस तरह से गंगा बह रही है, जमुना बह रही है, हम लोग भी इसी तरह से मिलजुल के सब हिंदुस्तान में रहें। जितना काम इस टाइम में हुआ है 5 सालों में, पहले कभी नहीं हुआ पूरे देश के। जैसे क्या हुआ? जैसे कि यहाँ पर रैपिड रेल का काम शुरू हो चुका है और यहाँ पर सड़कों का चारों तरफ जाल बिछ चुका है, सड़कें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मेट्रो का भी हो चुका है। पूरे देश में गांवों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में ही है, यहाँ पर कृषि पर निर्भर आबादी भी बहुत बड़ी है, लिहाजा किसानों को लेकर जो भी घोषणाएं होती हैं या वादा खिलाफी है, उत्तर प्रदेश में उसका असर त्वरित तौर पर देखने के लिए मिल जाता है। राजनीतिक पार्टियां इस बात को लेकर बहुत सतर्क हैं। हिम्मत है तो आंकड़े घोषित करो, आंकड़े घोषित करो, कितना रुपया दिया, किस किसान को दिया, नहीं करेंगे। ये झूठ बोलना इनकी फितरत में है जी। तमाम समस्याएं, आपको रोजगार चाहिए, किसानों को अपनी उपज के लिए सही दाम चाहिए, ये समस्या है इस चुनाव की, ये मुद्दे हैं इस चुनाव के, इन्हीं मुद्दों को आप मुद्दे बना सकते हैं। जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, यहाँ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से मतदाताओं की प्राथमिकताएं बदलती हैं। यही वजह है कि यूपी का मिजाज एक बार में तय कर पाना आसान नहीं होता। यूपी विजय का सपना संजोने वाले नेताओं को एक नहीं कई कई रणनीतियां बनानी पड़ती है। नेशनल लेवल पर अच्छा काम हुआ है। और वोट की वजह नेशनल होगी या लोकल? नेशनल होगी। गंगा जो है साफ होनी चाहिए थी, साफ नहीं हुई। जब वो 60 साल में कुछ नहीं कर पाई, अब क्या कर लेगी वो, आप खुद बताओ चीज को। तो नहीं तो आपको लग रहा है 12,000 आ तो सकते हैं ना आपके अकाउंट में? कहीं नहीं आने, बेवकूफ बनाने वाली बात है बस, ताकि वोट मिल जाए। 17वीं लोकसभा का पहला वोट प्रथम चरण में 11 अप्रैल को डाला जाएगा। पूरे देश का चुनाव 7 चरणों में होगा। चुनावी दृष्टि से बेहद संवेदनशील उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में वोट डाले जाएंगे। ये वो क्षेत्र हैं जिनकी आवाज उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलनों की प्रमुख आवाज बनती है। यही वो इलाके हैं जहां गठबंधन की असली परीक्षा होनी है। बीजेपी को अपना जनाधार संभालना है, कांग्रेस को भविष्य की राह निकालनी है। यहां सबसे ज्यादा पैदावार गन्ने की होती है। हर चुनाव में गन्ना किसानों का मुद्दा चुनाव का एजेंडा सेट करता है। हमने किसानों के मन की बात जानने की कोशिश की। बेचते हैं, लाते हैं, बनाकर तैयार करते हैं, मंडी में ले जाते हैं, वहाँ से जो सिस्टम है व्यापार का, अगर 20 किलो का एक डब्बा तोल ले तो उसमें 500 ग्राम मंडी का लाला खा जा उसको। कुछ बदलाव हो पाया है, जो वादे किए जाते हैं वो हुआ है? वादे तो कमी है, इनमें क्या घोषणाएं ज्यादा है, वादे कम है। एक तो गन्ने का पेमेंट था जो है 4 दिन में 14 दिन में बता रहे थे, ना तो वो करवाया आज लो, और क्या नाम मिल लो मल लो का हिसाब बिल्कुल ठीक ठाक नहीं चल रहा। इस क्षेत्र को चीनी का कटोरा भी कहते हैं। गन्ना किसानों की खुशी या नाराजगी का सीधा असर मध्य उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर भी पड़ता है। एक आकलन के अनुसार करीब 2 करोड़ किसान ऐसे हैं जो गन्ना पैदावार पर निर्भर रहते हैं। कैराना सीट पर हुए उपचुनाव में भी गन्ना किसानों के बकाए का मुद्दा वोटिंग का आधार बना था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनावी अभियान के आगाज वाली स्पीच में इस मुद्दे का विशेष ध्यान रखा। मुझे पता है कि अभी गन्ना किसानों का बकाया है, पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी एक एक पाइप दिलाई जाएगी। यहां पर हमारे मुख्यमंत्री योगी जी है, वो आपकी एक एक पाइप दिलाएंगे और बहुत जल्द दिलाएंगे।
अगर कृषि के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर को देखा जाए तो पता चलता है कि चुनाव आते ही क्यों यह मुद्दा इतना अहम हो जाता है। उत्तर प्रदेश में करीब 2,34,00,000 किसान हैं, जिनमें से 2,15,00,000 किसानों की गिनती छोटे और सीमांत किसानों में की जाती है। यही वजह है कि 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी का वादा प्रमुख था। सरकार बनते ही योगी आदित्यनाथ ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में 1,00,000 रुपए तक के कर्ज को माफ करने का ऐलान किया। 2018 की यूपी बजट में योगी सरकार ने कर्ज माफी के दूसरे चरण का ऐलान किया। इस फेज में 2,00,000 रुपए तक का कर्ज माफ करने के लिए बजट में 1,500 करोड़ रुपए पास किए गए। जिस तरीके से हमारा किसान बहुल क्षेत्र है, आज तक वादा किया था सरकार ने कि 14 दिन में पेमेंट होगा, अभी फैक्ट्री को चले वो 3 महीने हो गए, 14 दिन का पेमेंट आज तक नहीं हुआ, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा और जो हमारे बच्चों की जो पढ़ाई नहीं हो पा रही, बड़ा दुखी है यहाँ का किसान, बहुत ज्यादा परेशानी है किसान को यहाँ से। दो हजार 2019 के चुनावी साल में कदम रखने से ठीक पहले कांग्रेस ने 3 राज्यों में किसान कर्ज माफी का कार्ड चला और सरकारें बनाई। उसके बाद लोकसभा चुनावों के मद्देनजर किसान और महत्वपूर्ण हो गए। केंद्र सरकार ने अपने अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत 5 एकड़ से कम खेती वाले किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे खातों में ट्रांसफर करने का ऐलान किया गया। ये 6,000 रुपए 2,000 की 3 किश्तों में किसानों के खातों में पहुंचाए जाएंगे। इस योजना से देश के करीब 12 करोड़ किसानों को सीधा फायदा पहुंचाए जाने का दावा है। देश का किसान हमारे लिए अन्नदाता है, किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने उठाए। यहाँ आए अनेक किसान साथियों को भी पीएम किसान सम्मान निधि की पहली किस्त सीधे बैंक खाते में अब तक मिल चुकी है। जिनको नहीं मिली है उसके खाते में भी बहुत जल्द पहली किस्त पहुंच जाएगी। अब तो दूसरी किस्त का समय भी आ गया है। इसी तरह साल में 3 बार हर फसल से पहले छोटे किसानों को हर वर्ष ये मदद मिलती रहेगी। गंगा जीवन दायिनी, पतित पावन, कलकल बहती गंगा, बिजनौर के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश लेकर करीब 1140 किलोमीटर का सफर तय करके बलिया जिले को पार करने के बाद ही यूपी की सीमाओं से निकल जाती है गंगा। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के करीब 26 जिलों और 8 करोड़ से अधिक लोगों को सींचने का काम करती है। यही वजह है कि चुनाव यूपी का हो या देश का, गंगा के तट पर राजनीति की हलचल अधिक हो जाती है, फिर वो 2014 हो या 2019। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। मुझे यहाँ भेजा है कांग्रेस पार्टी के संगठन के लिए, उसे मजबूत करने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ का प्रभारी बनाया है। गंगा आस्था है तो गंगा चुनावी मुद्दा भी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद गंगा मंत्रालय बनाया, नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया। हमने उत्तर प्रदेश की राजनीति को गंगा के तट पर खड़े होकर भी देखा। नमामि गंगे की बात करते हैं तो 5 राज्यों का जिक्र आता है, पर चूंकि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े दायरे से गंगा जी गुजरती हुई आगे बढ़ती है, इसीलिए यहां से नमामि गंगे प्रोजेक्ट की सफलता या असफलता भी चुनाव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहाँ हम गढ़ मुक्तेश्वर में हैं और यहाँ पर गंगा की सफाई के बारे में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर आप नाव चलाते हैं, आपको फर्क दिखा है गंगा जी में? हाँ, काफी फर्क नजर आ रहा है जी पहले से। क्या क्या दिखा है? पहले जो इसमें गटर के पानी आते थे वो सब बंद हो गए। कहाँ से नाले आते थे आगे से? हाँ जी, फैक्ट्रियों के पानी आते थे इसमें पहले। अब नहीं आ रहा? अब नहीं आ रहा। और जो लेवल है, जो लेवल है, जो पाकिस्तान में जो नदी बंद करी है उनका जल इसमें आ रहा है। आपको किसने कहा ये? 3 महीने पहले से इसमें ही आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप आइए, ये आप इसी क्षेत्र में रहते हैं? केवट समाज से हैं आप? आपको दिखा है परिवर्तन गंगा जी के पानी जल में? हाँ, जल में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है जी, और जो स्वच्छ भी हुआ है जब से मोदी जी आए हैं,
उन्होंने काफ़ी सुरक्षा पर ध्यान दिया है और हर आदमी जागरूक हुआ है। पहले हरियाणा, राजस्थान, पंजाब से जो अस्थियां लेकर आते थे लोग, उनके साथ बहुत सारी राख लाते थे, लेकिन जब से स्वच्छ अभियान मोदी जी ने चलाया है स्वयं, तो उस पर काफ़ी जागरूकता आई है और गंगा जी का जो जल है वो काफ़ी और स्वच्छ हुआ है। ये आपको महसूस हो रहा है, ये मुक्ति धाम जैसा कि हम बता रहे थे, तो आप चिताएं जलती हुई यहाँ पर देख सकते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास होता है, श्रद्धा है उनकी कि आत्मा को मुक्ति मिलेगी, यहाँ से मोक्ष मिलेगा। गंगा की सफाई के धार्मिक और राजनीतिक महत्व को समझते हुए केंद्र सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत 2019-20 के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए, जिसमें सबसे अधिक 8,500 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को दिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने घाटों की मरम्मत के साथ गंगा में गिरने वाले सभी नालों को बंद करने का काम अंजाम तक पहुंचाना शुरू किया, जो अपने अंतिम चरण में बताया जा रहा है। हमने गंगा किनारे रहने वाले लोगों से गंगा सफाई को लेकर बात की, राज्य सरकार की प्रयासों की गंभीरता को परखने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि क्या आम चुनावों में गंगा की सफाई उनके लिए चुनावी मुद्दा है। गंगे का असर यहाँ जी मैडम बहुत पहले से काफी वो हुआ है, अब साफ सुथरा है, आप घाट देख सकते हैं बिल्कुल। पहले गंगा जी साफ नहीं थी, अब बिल्कुल क्लियर है। पहले पोलोथीन आते थे, अब पोलोथीन भी नहीं है, कचरे की सफाई हुई है, पहले से बहुत साफ सुथरा है बिल्कुल। तो यहाँ पे मैन गंगा की जो मैन धार आनी चाहिए, गंगा जल बहुत कम हो जाता है, लोग नहा नहीं पाते। सफाई वफाई के मामले में भी प्रोग्रेस हो तो रही है, लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। सारी पार्टियों को जोड़कर मोदी वर्सेज ऑल का नारा निकला तो ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू के जरिए था, लेकिन पहला संगठित प्रयास किया गया उत्तर प्रदेश में, जहां पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ आए। कमोवेश सभी पार्टियां मिलकर एक साथ ऐसे ही जूस का एक ग्लास निकालने के लिए, जिसे पीने के बाद मोदी को हराया जा सके। महागठबंधन का ये प्रयोग क्या कांग्रेस के एक तीसरे कोण को देखते हुए यूपी में चलेगा? यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं। बीएसपी व सपा का बना ये गठबंधन इस बार केंद्र में बीजेपी को किसी भी कीमत पर सत्ता में आसीन नहीं होने देगा। जिस मतदाता ने आपको इसलिए ऊर्जा दी कि आप कांग्रेस का एक विकल्प बनेंगे, आज उसी मतदाता को धोखा देने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर जगह लोग खड़े हैं, इसलिए क्योंकि पांच साल में हर वर्ग को धोखा दिया है। इस गठबंधन का प्रदेश के राजनीति में कोई असर नहीं होने वाला है। अच्छा हुआ दोनों एक हो गए हैं, हमें मदद मिलेगी कायदे से इनको निपटाने के लिए। अलग अलग विचारधाराओं को इकट्ठा किया और डाल दिया चुनावी मशीन में, जो बाहर निकला वो रसीला गठबंधन है। अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से जनता आनंद ले रही है, नेता खुश है कि जितनी मुस्कुराहटें हैं उतने वोट उनके पक्के, लेकिन क्या वाकई वोटों का गणित यूपी में इतना आसान है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, हर कदम पर पानी और वाणी से बदलते परिवेश वाला प्रदेश। कश्मीर से कन्याकुमारी तक वंशवाद और भ्रष्टाचार की महामिलावट करने वाले दल आज आपके इस चौकीदार से परेशान है। अपना भ्रष्टाचार जारी रखने के लिए ये सभी यहां यूपी में भी एकजुट हो गए हैं। मायावती जी चाहती है कि मोदी जी को हटाया जाए, मगर पुत्ते बहन जी कहां से चुनाव लड़ोगी? तो कहती है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। अखिलेश चाहते हैं कि मोदी जी को हटाया जाए, उनको पुत्ते अखिलेश जी चुनाव कहां से लड़ोगे? चुनाव नहीं लड़ेंगे। शरद पवार जी चाहते हैं कि कहां मोदी जी को हटाया जाए, उनको पूछते चुनाव कहां से लड़ोगे? कहते चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ना नहीं है,
और मोदी जी को हटाने के स्वप्न एक गठबंधन वाले का देख रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की आज सदस्यों की विधानसभा में उनके सदस्यों की संख्या की जो स्थिति है उसको देखते हुए ये बात पूरी तरह स्पष्ट है कि दोनों अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं और उनके साथ आने से 2019 के चुनाव में एनडीए के गठबंधन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा। मेरी आवाज अगर भाजपा के नेताओं तक पहुँच रही हो तो वो सुन लें, धर्म की आड़ में देश और समाज में नफरत का जहर घोलने वाली भाजपा की कूटनीति का विनाश करने के लिए और भाजपा के अत्याचारों से आम जनता को मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकजुट होने का निर्णय लिया है। उन्होंने लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए, संविधान को नष्ट करने के लिए और संस्थाओं को नष्ट करने के लिए पूरी योजना बनाई है। कुछ महीनों पहले एक तस्वीर निकली थी कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाएंगे, महागठबंधन की एक ताकत बनकर सब मिलकर मोदी को हराएंगे, लेकिन महागठबंधन न सही उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियों ने गठबंधन का रास्ता चुना। पहले माया अखिलेश साथ आए, फिर उसमें राष्ट्रीय लोक दल भी मिल गया और तैयार हो गया मोदी विरोध का मोर्चा, कांग्रेस को इससे दूर रखा गया। सवाल ये उठता है कि क्या एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन यूपी में मोदी की राह मुश्किल कर पाएगा? आखिर क्यों एसपी बीएसपी को अपनी दुश्मनी भुलाकर हाथ मिलाना पड़ा? क्या कांग्रेस के अलग चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा? एक ऐसा ही घोटाला होगा ये भी, जैसे कि विधवा पेंशन का घोटाला था ना, कि लड़की पैदा नहीं हुई और वो विधवा हो गई। मुझे लगा 15 लाख बोलेंगे आप। कांग्रेस जो है वो काफी समय से, पिछली दो योजनाएं भी लगा लो उसमें काफी पिछड़ चुकी है और इस बार भी कांग्रेस के प्रत्याशी को कोई भी वोट करने वाला हमें दूर दूर तक। आप लोगों को ऐसा लगा गांधी जी की बात पर किसी को विश्वास नहीं होता? जिस तरह से वो बात करते हैं जुमला टाइप का, उनकी बात कोई ठोस कदम या कोई गंभीरता से नहीं लेता। आइए सिलसिलेवार ढंग से गठबंधन की गांठें खोलते हैं और आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिसे देखकर गठबंधन के मन में उम्मीदें जगती हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 42.63%, समाजवादी पार्टी को 22.35% और बीएसपी को 19.77% वोट मिले थे। अगर गणित के सामान्य फॉर्मूले पर जाएं, यानी 1+1 2 होता है, तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी का वोट प्रतिशत जोड़कर 42.12% तक पहुंच जाता है। अगर इसमें राष्ट्रीय लोक दल को मिला 1% वोट शेयर भी जोड़ दिया जाए तो ये बीजेपी के कुल वोट शेयर से अधिक हो जाता है, यानी सीधे सीधे गठबंधन के लिए अच्छे संकेत। इसे सीटों के हिसाब से ऐसे समझा जा सकता है, 2014 में बीजेपी को 71 सीटें मिली थी जबकि उसके सहयोगी अपना दल ने 2 सीटें जीती थी, लेकिन सिर्फ 17 सीटें ऐसी थीं जिन पर बीजेपी ने 50% से अधिक वोट शेयर के साथ जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती थीं जबकि 31 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही थी और 30 सीटों पर नंबर 3। बीएसपी का खाता तक नहीं खुल पाया था, लेकिन 34 सीटें ऐसी थीं जिन पर बीएसपी दूसरे नंबर पर रही और 42 सीटों पर तीसरे नंबर पर। एसपी बीएसपी और आरएलडी गठबंधन के जरिए दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई वाली सीटों पर गठबंधन का साझा प्रत्याशी उतारकर नंबर 1 पर रहने वाली बीजेपी को हराने का समीकरण बनाया गया है। बीजेपी के सामने चुनौती अब 50% से अधिक मार्जिन से जीत हासिल करने की होगी। यूपी की जनता तय कर बैठी है 74 सीटों पर इस बार यूपी में कमल खिलने वाला है, कमल। और आगामी लोकसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश में 74+ के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। आप देखते रहिए, भारतीय जनता पार्टी का यह ध्यान इसी तीव्रता के साथ, इसी द्रुत गति के साथ आगे बढ़ेगा। आज तक कार्वी इनसाइट देश का मिजाज सर्वे के अनुसार मौजूदा चुनावों में एसपी बीएसपी और आरएलडी गठबंधन को 48% वोट मिलने का अनुमान है, जिसे अगर सीटों में बांटा जाए तो गठबंधन को 58 सीटें मिल सकती हैं। यानी बीजेपी जिसे 2014 में उत्तर प्रदेश से 71 सीटें मिली थी उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है जिसके हिसाब से वो गठबंधन में सम्मानजनक सीटें चाहती थी, जबकि गठबंधन को बिना कांग्रेस सपोर्ट ही बीजेपी से अच्छी बढ़त नजर आ रही थी और सीटों का बंटवारा भी नहीं करना पड़ रहा था।
उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने के लिए पहले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। लिहाजा लोकसभा चुनावों से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा का दांव खेला गया है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिम्मा उन्हें सौंपा गया है। तिलमिलाई कांग्रेस ने मजबूरी में एकला चौलोरे का रास्ता चुना और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपकर प्रियंका वाड्रा को मैदान में उतार दिया। अब मौजूदा स्थिति में यूपी की लड़ाई में एक मोर्चा एनडीए का है, दूसरा गठबंधन का और तीसरा कांग्रेस का। मुकाबला त्रिकोणीय दिखता है। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के खुल के उतरने से किसे फायदा होगा? आपको लग रहा है महागठबंधन इस बार अच्छा ऑप्शन है? अच्छा ऑप्शन है और ये ज्यादातर सीटें ज्यादातर बीजेपी को हराने के लिए यही सही रहेगा। महागठबंधन कौन बेहतर लग रहा है? 25,000 मैडम, यहाँ का ऑप्शन तो महागठबंधन ही है। महागठबंधन का ऑप्शन आप लोगों को लग रहा है? किसका ऑप्शन लग रहा है? आप वोट देंगे इस बार पहली बार? नहीं, महागठबंधन। महागठबंधन का आपको बेहतर लग रहा है? प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की नई उम्मीद है। उनके दायरे में योगी मोदी की कर्मभूमि भी है और रायबरेली अमेठी जैसी पारिवारिक विरासत वाली सीटें भी हैं। चुनौती मुश्किल है क्योंकि अमेठी पर बीजेपी की भी नजर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अमेठी की कांग्रेस की कमेटी ने यह घोषित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी दाल नहीं गलने वाली। चुनौतियों से टकराती हुई प्रियंका लगातार अपने चुनाव अभियान पर बढ़ रही है। वो प्रयागराज जाती हैं, वाराणसी में गंगा की लहरों पर सवार होकर प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देती हैं, तो अयोध्या जाकर कांग्रेस के लिए हिंदुत्व की परिभाषा भी नए सिरे से गढ़ने की कोशिश करती हैं। हालांकि प्रियंका के हर धार्मिक दौरे पर विरोधियों की नजर टिकी रहती है, इसीलिए जब वो हनुमानगढ़ी से ही अयोध्या दौरा पूरा कर लेती है तो सवाल उठते हैं कि उन्होंने रामलला के दर्शन क्यों नहीं किए। प्रियंका अयोध्या गई तो राजनीति में फिलहाल शांत हो चुके राम मंदिर मुद्दे की कहानी फिर से सबको याद आई। हर चुनाव में जो राम मंदिर मुद्दा बनता है, इस बार वो मुद्दा है कि नहीं ये सवाल भी उठा। आस्था एक निजी चीज होती है, धार्मिक विश्वास ये सारी बातें, पर जहां तक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा है वहां पर करोड़ों लोगों की आस्थाएं एक साथ जुड़ जाती हैं और जैसे ही आंकड़ा करोड़ों का होता है वैसे ही धर्म के मुद्दे में राजनीति भी जुड़ जाती है, जिसका सीधा सिरा उत्तर प्रदेश की भूमि से ही जुड़ता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम मंदिर मुद्दे की एक अलग महत्ता है। आम चुनावों की घोषणा से पहले राम मंदिर मुद्दे पर बड़ी बहस का दौर चला। पूरे देश की नजरें यूपी की सियासी हलचलों पर लगी रहीं, अध्यादेश से लेकर कानून बनाने की बातें भी उठी, लेकिन अंत में कोर्ट की कार्रवाई के इंतजार पर ही आकर सब कुछ ठहर गया। जनता के लिए आम चुनावों में राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है, ये एक बड़ा सवाल है। जब जब चुनाव आते हैं अयोध्या चर्चा का केंद्र बन जाती है, चुनाव बीत जाते हैं सब कुछ शांत हो जाता है। अभी सियासत के लिए मुफीद है, लिहाजा अयोध्या में चुनावी रौनक है। आम श्रद्धालुओं से ज्यादा सियासी दलों के भाव उमड़ रहे हैं। देश को सबसे अधिक प्रधानमंत्री देने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। चाहे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे हो, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर अमेठी से लड़ने वाले राहुल गांधी हो जो अपनी उम्मीदवारी दिखा रहे हैं, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिनका कर्म क्षेत्र ही उत्तर प्रदेश है। पूरे देश का चुनाव एक तरफ, अकेले उत्तर प्रदेश का एक तरफ, क्योंकि यहां से न सिर्फ सबसे ज्यादा सांसद चुनकर दिल्ली की संसद में पहुंचते हैं बल्कि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री भी देश को उत्तर प्रदेश से ही मिले हैं। आजादी से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश से 9 प्रधानमंत्री हुए हैं। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फूलपुर को अपनी कर्मभूमि बनाया, तो लाल बहादुर शास्त्री भी प्रयागराज की देन थे। इंदिरा गांधी रायबरेली, राजीव गांधी अमेठी, वीपी सिंह फतेहपुर, चौधरी चरण सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत,
बलिया से चंद्रशेखर, लखनऊ से अटल बिहारी वाजपेयी और अब वाराणसी से नरेंद्र मोदी। राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश ने हमेशा देश की राजनीति पर अपना वर्चस्व बनाए रखा, चाहे क्षेत्रीय दलों के दबाव के रूप में या केंद्रीय सरकारों में अपनी भूमिका को लेकर। गठबंधनों के दौर में 1996 और 1999 में दो बार ऐसे अवसर भी आए थे जब मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। मौजूदा समय में भी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री पद के लिए उत्तर प्रदेश की जमीन से ही दावेदारी ठोक रहे हैं। कांग्रेस की प्रधानमंत्री पद की उम्मीद, राहुल गांधी का क्षेत्र अमेठी भी उत्तर प्रदेश है और गठबंधन के सहारे प्रधानमंत्री की कुर्सी का सपना संजोने वाली मायावती भी उत्तर प्रदेश से है। फिलहाल जंग छिड़ी है दिल्ली की और सबसे निर्णायक संग्राम छिड़ा है यूपी में। सबके अपने अपने दावे हैं, जनता का मूड अपनी जगह है। बात 80 सीटों की है, लिहाजा सारी की सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपना सब कुछ झोंक दिया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश पर श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही।